हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपकी बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि दादी माँ हम सबको आलू का पराठा सिखाएं, वो भी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से कि कैसे दादी माँ आलू का पराठा बनाती हैं। तो दादी माँ आज फिर आ गई हैं आप सबके लिए आलू के पराठे की रेसिपी लेके। तो दादी माँ, आलू के पराठे बनाने के लिए गेहूं का आटा लगेगा ना सबसे पहले? तो हमें आधा किलो, हाँ आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। और इसमें बस ऑयल भी लगेगा अम्मा? हाँ, एक चम्मच से डेढ़ चम्मच तक बस। हाँ, बस उससे ज्यादा नहीं। जरा सा हल्दी, हाँ एक चुटकी बस। हाँ, हल्दी कलर के लिए, क्योंकि हाँ, अम्मा ने कहा कि पराठे कचौड़ी में एक चुटकी हल्दी डाल दे। नमक अपने अंदाज से। हाँ, नमक अपने तो आधा चम्मच मैंने ले लिया है, जैसा खाते हो। हाँ हाँ, तो इसको अब हम गूथेंगे। तो अम्मा, इसका एकदम नरम आटा हमें, बिल्कुल नरम सानना पड़ता। हाँ, खूब ज्यादा मसल मसल के इसको गूथना है कि जिससे आलू का पराठे फटे नहीं। फटे नहीं, खूब अच्छे से बढ़िया हो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा खाए। तो इसीलिए हमें इसे खूब नरम आटा गूथना है और खूब मसल के गूथना है। अब ये आटे में मैं नमक ऐड करूंगी और एक चुटकी हल्दी। ये दादी माँ की टिप है कि इससे कलर अच्छी आता है, और ज्यादा नहीं, बस एक से डेढ़ चम्मच मोयन के लिए। इससे जो है थोड़ा सा नरम बनता है। और अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके ले, एक साथ ज्यादा पानी ना ले। हाँ, तो ये देखिए, इसको 10 मिनट तक बहुत ही अच्छे से गूथा है अम्मा, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से गूथना रहता है ना। हाँ हाँ, वरना आपने बताया कि आलू का पराठा फटने लगता है अगर अच्छे से हम नहीं गूथेंगे तो वो फटने लगेगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से हमें मसल मसल के, ये देखिए ऐसे ही ये उंगलियों की सहायता से खूब अच्छे से मसले। आटा जितना अच्छा गूथा रहेगा उतना ही बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, पराठा बनेगा चिकना। हाँ हाँ, इसका थोड़ा नरम ही रहता है ना। हाँ, जैसे हाँ, रोटी का रहता है वैसे ही नरम, देखने में अच्छा, खाने में अच्छा। हाँ, पच भी जाता है, पाचन में भी अच्छा होता है। ये देखिए, एकदम नरम अच्छा आटा गूथ के तैयार हो गया ना। हाँ, तो इसकी ये पहचान रहती है कि हम उंगली से दबाएंगे तो ये ऊपर उठ के आने लगता है। तो यानी कि ये अच्छा आटा गूथ के तैयार है, एकदम नरम। 2-4 मिनट छोड़े रहे तो फिर बनाओ। हाँ हाँ, इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे तो ये अच्छा सेट हो जाएगा। अब हम अंदर की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो ये 8 से 10 उबले हुए आलू है जिसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए ना अम्मा? नहीं, चिकनी होनी चाहिए। हाँ, एकदम गुठलियाँ ना रहे, अच्छा मिलते बनेगा, नरम बनेगा। हाँ हाँ, तो इसमें आप चाहे तो इसको कस भी सकते हैं तो उससे गुठलियाँ नहीं रहेंगी। हाँ, आप चाहे तो हाथ से अच्छे से खूब रगड़ के मसल ले, सब मसाला डालने का। हाँ हाँ, और ये पीस के। हाँ डाल। हाँ, तो इसमें सब मिला दो। हाँ, ये 10 से 12 लहसुन है। हाँ, 3 से 4 हरी मिर्च है। आप चाहे तो कम भी यूज करें, 1.5 इंच अदरक है तो इसको पीस ले, या आप चाहे तो इसको बारीक बारीक काट के भी, अदरक खूब बारीक काट ले या ग्रेट कर ले, या लहसुन को खूब बारीक काट लें, हरी मिर्च भी बारीक काट लें। हाँ, या चाहे तो बिना पानी डाले इसको पीस भी ले तो और आराम हो जाएगा अम्मा ना। तो इसमें नमक ले ले तो स्वाद अनुसार नमक ले। हाँ, लाल मिर्च ले ले थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा गरम मसाला 1/4 स्पून, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर, ये सब 1/4 स्पून है। अगर आपको और मसाले की क्वांटिटी चाहिए, हाँ धनिया, हरी धनिया। हाँ, आपने कहा था इसमें हरी धनिया बहुत अच्छी लगती है ना। हाँ, बहुत अच्छी। तो खूब सारी हरी धनिया मैंने बारीक काट ली है तो वो इसमें मैं ऐड करूंगी। हाँ, देखिए, उबले हुए मैश किए हुए आलू में मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लेके ऐड कर दिया है। इसमें आप पानी का यूज ना करें। अब हम नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 स्पून गरम मसाला, और आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला 1/4 स्पून ही, और 1/4 स्पून ही अमचूर पाउडर। इससे क्या होता है, थोड़ा चटपटा बनेगा ये हमारा जो मिक्सचर है इसका। और खूब सारी धनिया की पत्ती, जैसा कि दादी माँ ने कहा कि इसमें धनिया की पत्ती का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, बहुत ही चटपटी फिलिंग हमारी बन के रेडी हो गई है ना। वो भी ये टेस्टी है, बहुत ही चटपटी, जैसी आपने बनाई बताई थी वैसी मैंने बनाई है। अब इसको ऐसे चिकना करके, अब इसको आटे की एक लोई ले लेंगे तो इसको अम्मा चिकना कर लेंगे एकदम अच्छे से। अब इसको बहुत ही थोड़ा सा हम बेल लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के, बहुत ही थोड़ा सा। इसकी कटोरी जैसी बना लिया अम्मा। अब इसको एक बड़ा सा खूब अच्छा सा हम पोर्शन ले लेंगे आलू के मिक्सचर का। मुंह अच्छे से बंद करो। हाँ, तो इसको अंदर दबाते जाएं और इसको ऐसे करते जाएं अम्मा, ऐसे ही करेंगे ना। ऐसे इसका मुंह ऐसे, ये देखिए अम्मा बता रही हैं आप सबको कि कैसे इसका, ये ऐसे ही इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, बंद करके आपको इसको
ऐसे ही लाइटली प्रेस कर देना है, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे कि कैसे स्टफिंग की जाती है। तो ये देखिए ऐसे करके घुमा घुमाते आप इसको पहले ऐसे करें। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना अम्मा। हाँ जरा थोड़ा सा दोनों तरफ सूखा आटा। और इसको अम्मा एकदम हल्के हाथों से भी बेलना। आप चाहे तो हाथ से थोड़ा ऐसे ऐसे फैला लेंगे तो इसकी फटने की और चांसेस कम रहेंगी। एकदम हल्के हाथों से ही उलट पलट के हम बेलेंगे इसको, हल्के हाथों से बेलेंगे। और अम्मा आपने कहा कि किनारों पे हल्का हल्का ऐसे कर दें कि जिससे ये मोटा ना रह जाए ना, खाने में अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, तो हल्के हाथों से अम्मा ने कहा कि किनारे भी ऐसे ऐसे बेलन से कर देंगे, खाने में अच्छा लगे ना देखने में। हाँ, तो इसीलिए हल्के हाथों से किनारे भी ऐसे कर दें कि जिससे ये मोटा ना रहे, वरना किनारे क्या होता है अक्सर लोग के पराठे थोड़े मोटे रह जाते हैं। तो ये सब अम्मा की एक्सपर्ट टिप्स है। जब गैस पे पैन चढ़ा दिया है तब हम इसपे अपना पराठा लेकर के डाल देंगे और थोड़ा वेट करेंगे कि थोड़ा सा कलर चेंज करे, तब हम इसे पलटेंगे। थोड़ा ऊपर से कलर चेंज हो रहा है तो हम इसको पलट देंगे। और ऊपर अम्मा अब हम तेल या घी इसके लगा सकते हैं ना। तो आप चाहे देसी घी लगाएं, चाहे तो सरसों के किनारे किनारे से भी लगा दें। तो अम्मा गांव में तो आप सरसों के तेल का आलू का पराठा बनाती है ना, तेल का। तो ये सरसों के तेल में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको इस साइड से थोड़ा सा पकने देंगे और इसको पलट देंगे। अम्मा जब पराठे फूलते हैं तो अम्मा बहुत खुश होती है। जहाँ तो बहुत दबाए। हाँ हाँ, यहाँ ऐसे ही करके हम ऐसे ही धीरे से हल्के से दबाते हुए इसको फिर एक बार देखते हैं, पलट लेते हैं। आलू का पराठा ये अच्छा बन गया, तैयार हो गया, फूल गया, ये देखिए कितना अच्छा। तो हम इसे निकाल लेंगे। निकाल लेने का कि आलू का पराठा बन के तैयार है ना, तैयार हो गया। खूब प्रेम से खा पी के बेटा, खूब दादी माँ को आशीर्वाद दो। आप सबको आशीर्वाद दीजिए अम्मा, हमको भी दो आशीर्वाद और तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद। और भाई शुभरात्रि। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बाय।